नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार खबर लेकर आया हूँ। CRPF बटालियन है, उसके अंदर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के 9,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। 10वीं 12वीं कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक शानदार सुनहरा अवसर है। यहाँ पर अपन बात करेंगे, सारी डिटेल यानी कि सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एंड तक इस वीडियो को, इस क्लास को आप देखिएगा। अगर कोई जानकारी आपसे छूट जाएगी तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो अपन बात करेंगे कि कितने पद हैं, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, क्या क्वालिफिकेशन, उसके भी डिटेल में मैं जानकारी दूंगा। एज लिमिट क्या रखी गई है, क्या सिलेबस पैटर्न रहेगा, या एग्ज़ाम कब होने वाली है, ये सारी की सारी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। कुल पदों की बात करें तो इसके अंदर प्यारे बच्चों 9,212 पद हैं। कितने हैं? बहुत बड़ी भर्ती इसको आप मान सकते हो इस साल की। इतने बड़े यानी कि इतने पद पहले कभी आए नहीं हैं, इस साल के अंदर पहली बार ही आए हैं। तो आप मान सकते हो आपके लिए एक शानदार और सुनहरा अवसर है, गोल्डन अवसर है। तो अपन शुरू करते हैं, देखिएगा। पद की बात करें तो कांस्टेबल पद रहेगा। कांस्टेबल के अंदर टेक्निकल और ट्रेडर्समैन के 9,212 पदों के लिए ये भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। CRPF की देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी आप कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। www.crpf.gov.in है, ये CRPF की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे पहले कल मैंने बताया था कि कंडक्टर और ड्राइवर के पदों के लिए भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है चंडीगढ़ के अंदर। तो वो क्लास, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और इसी इसके अंदर भी ड्राइवर्स के पद भी है। तो जो प्यारे साथी ड्राइवर हैं, वो अगर सेना में इसमें जाने जाना चाहते हैं CRPF के अंदर, तो यहाँ से कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की अपन बात करते हैं, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, या कब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है। तो बात करें, जो ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे, 27 फरवरी 2023 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, आप डिटेल में भी आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। और लास्ट डेट रहेगी प्यारे बच्चों ऑनलाइन आवेदन करने की, 25 अप्रैल 2023 तक आप इसके लिए जो कि आवेदन कर सकते हो। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकते हैं? एडमिट कार्ड 20 जून से 25 जून के मध्य है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एडमिट कार्ड है, वो अपलोड कर दिए जाएंगे। और जो एग्ज़ाम होगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड यानी कि जो CBT एग्ज़ाम होगी, उसकी टेंटेटिव डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है कि 1 जुलाई से 13 जुलाई के मध्य है जो इसकी लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाने की संभावना है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स की जानकारी मैंने आपको बता दी है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगी। ओनली ऑनलाइन मोड से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन ही आपको करने हैं। अब अपन देखते हैं, देखिएगा कि जो पदों का विवरण दिया है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा पे स्केल की बात करें तो इसके अंदर आपकी पे स्केल ये रखी गई है 21,700 से 69,100 रुपये है जो इसकी पे स्केल रखी गई है। इसके अलावा ये देखिएगा टोटल जो पद हैं उनका विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल पद हैं 9,212, जो मैंने आपको पहले ही बताए थे 9,212 हैं। उनमें मेल कैंडिडेट हैं, उनके हैं प्यारे बच्चों 9,105 पद मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके 107 पद हैं फीमेल कैंडिडेट्स के, वो अलग से रिजर्व रखे गए हैं। यहाँ पर देखिएगा वैकेंसी, जो मेल कैंडिडेट की जो पोस्ट हैं उनकी स्टेट वाइज जानकारी दी हुई है, किस स्टेट में कितने वैकेंसीज हैं। तो आप अपने स्टेट की यहाँ से जानकारी चेक कर सकते हो, देखिएगा। आंध्रा की अपन बात करें तो आंध्रा स्टेट के अंदर जो ड्राइवर हैं उनके पद हैं 145। इसके अलावा मोटर मैकेनिक के 22 हैं, कोबलर के हैं 7 पद है, कारपेंटर के 5, टेलर के 13 पद हैं, ब्रास बैंड के हैं 6 पद है। तो ये अलग अलग पद यहाँ पर वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर 424 पद हैं। आंध्रा स्टेट के लिए अलग से रिजर्व है। इसके अलावा आप अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, जो जितने भी भारत के अंदर स्टेट है उनकी अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हो। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा ये जो टेबल दी है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितने कितने वैकेंसीज है वो आप यहाँ पर
चेक कर सकते हो। इसके अलावा अपन देखते हैं कि वैकेंसीज फॉर जो अलग हैं, जनरल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है या उसके अलावा EWS OBC है, उनकी भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है, उनके अकॉर्डिंग है जो पोस्ट दी हुई है। चलिए बात करते हैं अपन क्वालिफिकेशन की, बात करें एज लिमिट की, बात करें तो एज लिमिट प्यारे बच्चों इसके अंदर रखी गई है 21 से 27 साल। एज लिमिट क्या रखी गई है, 21 से 27 साल रखी गई है। देखिएगा यहाँ से आप चेक कर सकते हो, कॉन्स्टेबल ड्राइवर की जो एज आपकी रहेगी 21 से 27 साल, और इसकी जो काउंटिंग होगी प्यारे बच्चों 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर इसकी काउंटिंग की जाएगी, आप यहां से चेक कर सकते हो। इसके अलावा कॉन्स्टेबल मोटर व्हीकल जो कोबलर या अन्य जो पोस्ट हैं, टेलर, बैंड, पाइप बैंड, बगलर, ये सारी जो पेंटर वगैरह हैं, उनके लिए एज लिमिट रखी गई है 18 से 23 साल। कितने रखी गई है, 18 से 23 साल रखी गई है, और ड्राइवर के लिए है 21 से 27 साल है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ देखिएगा इसमें OBC SC ST या एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एज में कुछ रियायत देने का प्रावधान भी है, एज रिलेक्शन का प्रावधान रखा गया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिएगा कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया हुआ है, SC ST कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनको एज में 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की, एक्स सर्विसमैन है उनको भी 3 साल की छूट दी जाएगी, तो आप यहाँ से एज रिलेक्शन की जानकारी भी चेक कर सकते हो। आगे अपन देखते हैं कि इम्पोर्टेंट आपके लिए अगर कोई जानकारी है तो वो अपन बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, एज लिमिट मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या, क्वालिफिकेशन अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार है। क्वालिफिकेशन की बात करें देखिएगा, एज ऑन 1 अगस्त 2023 यहाँ पर दी हुई, 1/8/2023 के अकॉर्डिंग आपकी है काउंटिंग होगी, इससे पहले पहले आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये देखिए अगर ड्राइवर के पदों के लिए अपन बात करें तो मिनिमम मैट्रिक्स और इक्विलेंट आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसमें बात करें, शुड बी प्रोसेस हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर, यानी कि आपके पास हेवी लाइसेंस है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हो, और आपकी एज और क्वालिफिकेशन अगर मैच कर रही है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा जो मैकेनिक मोटर व्हीकल हैं उनके लिए मिनिमम मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा टेक्निकल क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास एक तो 10+2 के तहत जो एग्जामिनेशन सिस्टम वो होना चाहिए, इसके अलावा 2 साल का आपके पास ITI का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ये देखिएगा। इसके अलावा अपन बात करें जो फॉर ऑल अदर ट्रेड्स हैं, जैसे टेलर हैं, मोची है, जो अलग अलग ट्रेड हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, मेट्रिकुलेशन और इक्विलेंट आपके पास अगर प्रमाण पत्र है, या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, यानी इस जो रिलेटेड ट्रेड है उनके संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र है, काम करने का अनुभव है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो एज लिमिट और आयु सीमा की बात मैंने आपको यहाँ पर बताइए जानकारी दी है। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, यानी कि क्या स्टेप, कैसे आप आवेदन कर सकते हो, तो ये जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ऑनलाइन मोड में यानी कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर लिंक दिया है, वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कैसे आवेदन करोगे। तो ऑनलाइन मोड यानी ऑनलाइन आवेदन ही आपके मान्य होंगे। इसके अलावा फीस की बात करें तो फीस क्या रखी गई है, आप आवेदन करोगे तो आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी उसकी जानकारी यहाँ पर दी है। एग्जामिनेशन फी ओनली 100 रुपी फॉर मेल कैंडिडेट्स फॉर जनरल EWS एंड OBC, ये 3 कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं, एक तो जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं मेल कैंडिडेट, उनको 100 रुपये शुल्क के रूप में देना होगा आवेदन शुल्क। इसके अलावा SC ST फीमेल एंड ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन आर
उनकी जो फीस है वो 0 रुपये होगी, उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। फी आप कई तरीकों से, जैसे भीम ऐप से या नेट बैंकिंग से, आप कैसे भी वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, आप रुपये कार्ड है उनसे आप डिपॉजिट या चालान कटवा सकते हो। चलिए, फीस की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी। इसके अलावा अपन बात करें कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी कौन कौन से शहर में होगी, तो ये लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। देखिएगा जो कहाँ कहाँ पर आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। जैसे हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में 2 सेंटर रहेंगे आपके, अम्बाला और फरीदाबाद। इसी प्रकार जैसे हिमाचल या जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर जम्मू और सांबा रहेगा आपका, और कश्मीर के अंदर श्रीनगर। तो ये स्टेट वाइज आप चेक कर सकते हो, आप जिस भी स्टेट के कैंडिडेट हो तो आप यहाँ से आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हो कि किस स्टेट में कौन कौन सा है जो सेंटर रखा गया है। इसके अलावा देखिएगा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर और जोधपुर के अंदर एग्ज़ाम सेंटर रहेगा अगर आप अप्लाई करते हो तो। एग्ज़ाम सेंटर की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम की जो स्कीम या आप जो टेस्ट दोगे उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के रहेंगे या टाइम आपको कितने मिलेगा, वो यहाँ पर जानकारी दी है आपको। देखिएगा 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिएगा 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर के होंगे, 100 नंबर के ही होंगे। अब इसमें देखिएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 25 ही रहेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और 25 ही मैक्सिमम मार्क्स इनके होंगे। और मैथमेटिक्स की बात करें तो इनके भी 25 और 25 नंबर के होंगे। इंग्लिश या हिंदी की अपन बात करें तो इनके 25, यानी कि 4 पार्ट के 25 25, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर का यह आपका पेपर होगा। टाइम आपको प्यारे बच्चों इसके अंदर 2 घंटे का समय मिलेगा। कितना टाइम मिलने वाला है, 2 घंटे के अंदर आपको 100% है उनका जवाब देना है, उनका आंसर देना है। तो ये जो लिखित परीक्षा होगी आपका, उसके बारे में यहाँ पर विवरण दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा देखिएगा यहाँ से डिटेल से भी जो सिलेबस है वो दिया गया है, तो आप टॉपिक वाइज देख सकते हो कि किस में क्या क्या आने वाला है। रीजनिंग की बात करें तो एनालिटिक एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व है, या ये देखिएगा जो जितने भी वर्बल और नॉर्मल रीजनिंग है वो सारी की सारी आपकी पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो क्वेश्चन इन द विल एम्ड टेस्टिंग कैंडिडेट, और जो जीके है, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिसी, पॉलिटी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी की सारी जानकारी आपको पढ़नी होगी। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है उसकी भी डिटेल से जानकारी दी है, और हिंदी और इंग्लिश के भी यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। अब अपन बात करेंगे फिजिकल टेस्ट आपका होगा, वो उसमें हाइट वगैरह क्या रहेगी या कितनी रनिंग होगी, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट हैं, अगर मेल कैंडिडेट आप हो, आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट है जो 157 सेंटीमीटर है वो रखी गई है। अब आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा इसमें कुछ हाइट के अंदर रियायत भी मिल रही है, तो आप चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रियायत दी जा रही है। आप यहाँ से पूरी ये टेबल दी हुई है वो चेक कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट के लिए है मेल कैंडिडेट शुड बी है फॉलोड स्टैंडर्ड, यानी कि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 80 सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, बिना फुलाए हुए आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, और हवा यानी कि गैस भरने के बाद, फुलाने के बाद में आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, 85.5 सेंटीमीटर आपको और फुलाना है, तो ये जानकारी भी आपको रखनी है। जो इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई चेस्ट संबंधित जानकारी नहीं है, उनका कोई चेस्ट नहीं पूछा जाता है। अब अपन बात करते हैं, देखिएगा चेस्ट के अलावा जो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा, कैंडिडेट हैव टू क्लियर द, ये आपका ये रहेगा। देखिएगा जो पोस्ट की अपन बात करें, ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, जो पेंटर वगैरह, कारपेंटर है, उनके लिए 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में आपको पार करनी होगी। मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर की रेस और कितने समय में पार करनी होगी, 24 मिनट में पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट से 1.6 किलोमीटर की रेस करवाई जाएगी और उनको टाइम दिया जाएगा 8.23
तीस यानी कि 8.5 मिनट का समय आपको मिलेगा, ये आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अपन बात करें, देखिएगा जो कुक वाटर कैरियर बार्बर हेयर ड्रेसर हैं उनसे 1.6 किलोमीटर की रेस 10 मिनट में करवाई जाएगी, और फीमेल कैंडिडेट है उनसे भी 1.6 किलोमीटर की रेस है जो 12 मिनट में करवाई जाएगी। इसके अलावा देखिएगा जो पायनियर विंग है उसमें प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन है उनसे 1.6 किलोमीटर की रेस 9 मिनट के अंदर करवाई जाएगी। तो ये रेस वगैरह का है, पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है, ट्रेड टेस्ट भी होगा आपका। ट्रेड टेस्ट की बात करें, आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उससे संबंधित भी आपका टेस्ट होगा। उसमें 20 मार्क्स टू क्वालिफाई रखे गए हैं, 20 नंबर का शायद ये आपका होने वाला है, तो आपको इसकी जानकारी भी रखनी है। ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा। ड्राइवर के लिए नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड, हैंडलिंग ड्राइविंग, पार्किंग, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस हिसाब से गाड़ी को पार्क करना, कहाँ करना, लाइट वगैरह, ये सारी की सारी जानकारी अगर आप ड्राइवर हो तो आपको होनी चाहिए। फिटर वालों की बात करें तो नॉलेज इन ऑटोमोबाइल्स फिटर मोटर मैकेनिक ट्रेड यानी कि ट्रेड से संबंधित आपका जो टेस्ट होगा तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये ट्रेड के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है, आप यहाँ से कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हो उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद में क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, तो उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, सारे के सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, उनकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। तो ये देखिएगा जो प्रोसेस है यहाँ पर, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो शारीरिक परीक्षण करवाया जाएगा आपका, तो वो अंत में आपका होने वाला है। उसके बाद में आपकी है जो फाइनल मेरिट बनने वाली है, मेडिकल टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो तो उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। आई एग्जामिनेशन भी आपका होगा, आई आपके अगर चश्मा वगैरह लगा रखा है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई अगर इम्पोर्टेंट जानकारी है वो अपन देखते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर से भी जानकारी ले सकते हो, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड अगर आप डाउनलोड करते हो, एग्ज़ाम देने जाते हो, तो साथ में आपके पास एक आईडी होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक आईडी की फोटोकॉपी या ओरिजिनल आईडी आपके पास, आईडी प्रूफ है वो होनी चाहिए। आधार कार्ड या प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या एम्प्लॉयर आईडी अगर आपके पास है तो ये आपको साथ ले जानी ज़रूरी है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन की अपन बात करें तो सिलेक्शन आपका कितने चरणों के बाद में होगा, इस भर्ती परीक्षा को अगर आप नौकरी लगते हो तो कितने चरण आपको पार करने होंगे, देखिएगा। एक तो पहला चरण आपका होगा कंप्यूटर जो CBT टेस्ट होगा लिखित परीक्षा का वो, उसके बाद में PST PET टेस्ट जो फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी आपकी वो पास करनी होगी, उसके बाद में आपका होगा ट्रेड टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 और 5 चरणों से आपको गुजरना होगा। ये CRPF का जो भर्ती नोटिफिकेशन हुआ है, अगर आप CRPF की नौकरी करते हो तो आपको 5 चरणों से गुजरना होगा, 5 चरण यानी 5 परीक्षाएं आपको पास करनी होगी। ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इस जानकारी को आप अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए, वो भी आवेदन कर देवें। आवेदन प्रक्रिया की जो लास्ट डेट है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, कब से कब तक आवेदन प्रक्रिया रहेगी। इसके अलावा लिखित परीक्षा कब आयोजित होगी उसकी जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैंने आपको बता दी है। Step 2 आवेदन है उसकी यहाँ पर जानकारी दी है, ये देखिएगा क्या स्टेप रहेंगी अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो ये कितने स्टेप से आपको गुजरना होगा, ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। इस जो ये नोटिफिकेशन है इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ये देखिएगा
ये सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हो आप एडमिट कार्ड फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जाम स्टेनो है, उसके 17 तारीख को एडमिट कार्ड है जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। ये देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट का है, उसके ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा लिंक टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर द एग्जाम हेड कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल के जो फॉर्म भरवाए गए थे तो उसके एडमिट कार्ड है यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लो, crpf.gov.in है जो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सीआरपीएफ की भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा आप मेरे से भी जानकारी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट रहता है और इस सूचना को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी है वो समय पर मिल सके। और लग जाइए अपनी तैयारी को, और फतेह करना है, नौकरी इस साल आपको लगनी है। चलिए मिलते हैं अपन किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।